दोस्तों, आपने काफ़ी ऐसे वीडियो देखे होंगे, बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन हायर बैटरी कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में आपने वीडियो नहीं देखा होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको काफ़ी अच्छा बैटरी कैपेसिटी और लाइफ देखने को मिल जाएगा। जनरली कोई भी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनके प्रोडक्ट्स में 5 साल का बैटरी वारंटी देती है, लेकिन ये जो बैटरी है ये कितना साल तक चलने वाली है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे और नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बैटरी लाइफ कैलकुलेट होती है, यानी जो कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी में 5 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करती है, मतलब उनको कंफर्म होता है कि 5 साल तक तो इस बैटरी को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो आपको 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी को हर दिन चार्ज करते हो, यानी एक साल में होता है 365 डेज, और उसको अगर हम लोग 5 ईयर्स से कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आती है 1825 चार्जिंग साइकिल। जनरली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बैटरी को 1500 से लेकर 1800 चार्जिंग साइकिल्स तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप एक दिन छोड़ के अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी को चार्ज करते हो तो वो बैटरी आपको 10 साल की लाइफ प्रोवाइड करने वाली है, यानी वो बैटरी 10 साल तक इजीली चल सकता है। और अगर आप हर 3 दिन में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर का बैटरी चार्ज करते हो तो 15 साल तक आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी चल सकती है। लेकिन कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है जिन स्कूटर्स में आपको इतना लंबा बैटरी लाइफ मिल सकती है, वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नंबर 5 पर आ जाता है गोगोरो इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोगोरो इलेक्ट्रिक जो कंपनी है वो अपने बैटरी के लिए माना जाता है, और गोगोरो जो कंपनी है वो काफी सारे कंट्रीज में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर काम कर रही है, और पिछले 5-6 महीनों में इंडिया के अंदर दिल्ली में गोगोरो कंपनी अपना काम करना शुरू कर दिया। और अगर आप गोगोरो के कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो तो उसमें आप बैटरी अलग से रेंट पर भी ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो स्कूटर और बैटरी दोनों एक साथ खरीद पाओगे। और देखा जाए तो गोगोरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बैटरी रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं आता है, क्योंकि ये कंपनी जाना ही जाता है अपने अच्छे बैटरी क्वालिटी के लिए। अगर आप रेंज की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की सिंगल बैटरी में रेंज मिल जाती है। और इस स्कूटर में अगर आप चाहो तो सिंगल बैटरी भी ले सकते हो या फिर डुअल बैटरी भी ले सकते हो। अगर आप इस स्कूटर के लुक्स की बात करो तो बाहर के देश में जो इस स्कूटर के मॉडल से वो काफ़ी अलग है। इंडियन मार्केट में कस्टमर्स के फीडबैक्स को लेकर इस स्कूटर का फाइनल डिज़ाइन तैयार किया जाएगा और फिर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन फीचर्स और बैटरी लाइफ के मामले में गोगोरो इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में काफ़ी आगे रहने वाला है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो गोगोरो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के प्राइसिंग जो है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाली है। और अगर बात करें कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में कब तक हमें देखने को मिलेगी, तो 2024 के स्टार्टिंग से लेकर मिड तक हमें ये स्कूटर इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब नंबर 4 स्कूटर की अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है रिबोट NX100। अब इस स्कूटर में जो बैटरी पैक आपको मिलने वाला है वो एक LFP बैटरी है, और ये कंपनी अपने बैटरी में 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। लेकिन पहले ही मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे इस स्कूटर को चार्ज करेंगे तो आपको 10 साल तक बैटरी का लाइफ मिल सकती है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो इस स्कूटर का जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाती है 89,000 रुपीज से, और इसका जो टॉप एंड मॉडल है वो जाता है 1,89,000 रुपीज तक। लेकिन उस स्कूटर में आपको रेंज मिल जाता है 300 किलोमीटर्स का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रेंज है। और इस स्कूटर में आपको सेगमेंट फर्स्ट कुछ फीचर्स भी देखने को मिल जाती है, बैटरी क्वालिटी भी आपको ज़बरदस्त मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्कूटर अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी चॉइस बन जाती है। अब नेक्स्ट स्कूटर है TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर। हालांकि TVS की तरफ से और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है, वो है TVS X, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है और इंडियन मार्केट में मुझे नहीं लगता कि इस स्कूटर को ज़्यादा कोई खरीदने वाला है। तो हम लोग इसीलिए TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि एक काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले जो TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते थे उसमें आपको LFP बैटरी प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन उस बैटरी में इस स्कूटर में बैलेंसिंग का इश्यूज हमें देखने को मिला, और उस बैटरी में कंपनी 5 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करती थी। और अब TVS इस स्कूटर में दे रहा है एक अच्छे क्वालिटी का NMC बैटरी, और कंपनी अब इस बैटरी में आपको 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है, लेकिन उस वारंटी को आपको एक्सटेंडेड वारंटी के अंडर लेना पड़ेगा, यानी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देकर उस 5 साल के वारंटी को लेना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से भी हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 10 साल तक आपके इस बैटरी को कुछ नहीं होने वाला अगर आप ऑल्टरनेट डेज पर चार्ज करते हो।
और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो कस्टमर फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और फीचर्स की अगर बात करें तो इस स्कूटर में काफ़ी नॉर्मल फीचर्स प्रोवाइड किया गया है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह नहीं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स और फीचर्स के चलते उस स्कूटर में अच्छा खासा प्रॉब्लम्स अभी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इस स्कूटर के साथ ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक अच्छे ब्रांड से एक रिलायबल इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी का बैटरी भी मिले, तो इस स्कूटर को आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। प्राइस की अगर बात करें तो इसका स्टैंडर्ड मॉडल का प्राइस है 1,17,000 रुपीज़, और इसका जो एस मॉडल है उसका प्राइस है 1,23,000 रुपीज़। ये सारी प्राइसेस एक शोरूम प्राइसेस है। और TVS का जो सर्विस सेंटर्स है वो पूरे इंडिया में 400 से भी ज़्यादा है, तो सर्विस को लेकर भी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब नंबर सेकंड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हीरो वीडा V1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब अगर बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स की, तो ये जो फेस्टिव सीजन है ना, इसमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का सेल्स काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। और इस दिवाली में हमें 30,000 से लेकर 35,000 रुपीज़ तक डिस्काउंट भी इस स्कूटर में देखने को मिला, और इसीलिए इस फेस्टिव सीजन में काफ़ी सारे लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदा। अब हीरो तो आपको पता ही कि टू व्हीलर सेगमेंट में कितना ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर आप खरीदते हो तो आप बिना टेंशन के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला पाओगे, क्योंकि जो ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पर कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इस स्कूटर में आपको डुअल बैटरी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और दोनों ही बैटरी आप रिमूव कर सकते हो, और आने वाले टाइम में इस स्कूटर में आपको स्वैपेबल बैटरी ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, और इस स्कूटर में फास्ट चार्जिंग के साथ काफी अच्छा खासा फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। प्राइस इसका कम ज्यादा होते रहता है, तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसका प्राइस जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अब अगर बात करें नंबर फर्स्ट पोजीशन की, तो नंबर वन पोजीशन पर आ जाता है होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, होंडा अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्दी 2024 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, और 90% कस्टमर का ये फीडबैक है कि एक्टिवा के लुक पे होंडा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च करे। सबसे पहले अगर बात करें इस स्कूटर की, तो होंडा तो आपको पता ही कि टॉप पोजीशन पर आता है, और 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही होंडा का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इस स्कूटर का जो बैटरी रहेगी, टॉप नॉच क्वालिटी का सेल्स इस बैटरी में यूज किया गया है, और साथ ही स्कूटर में एक रिमूवेबल बैटरी आपको देखने को मिलेगा, और स्वैपेबल बैटरी स्टेशन में जाकर आप इजीली इस बैटरी को स्वैप कर पाओगे। और अगर आप स्कूटर को विदाउट बैटरी खरीदना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि बैटरी आप अलग से रेंट पर भी ले पाओगे। और होंडा पहले से ही काफी सारे देशों में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर चुका है, तो होंडा को इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, ये थे कुछ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि आपको सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ देने वाली है। वैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।